एक तरफ तो इमरान खान के एक मैजिस्ट्रेट का वारंट जो है उसके लिए पूरी रियासत और रियासती वसाइल जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के बरखिलाफ जो नवाज शरीफ साहब यहाँ से फरार हुए, अदालत को फ्रॉड करके फरार हुए, 50 रुपए का बॉन्ड दे के शहबाज शरीफ ने उनको फरार करवा दिया और खुद वजीर आजम बन गए। नवाज शरीफ की फरार में शहबाज शरीफ पूरी तरह मुलव्वस है। आपने यानी इस अदालत ने $25 मिलियन का जो वहां पे श्योरिटी बॉन्ड था उसको 50 रुपए के बॉन्ड से तब्दील कर दिया क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था। हमने ये अर्ज किया कि हमें इसमें पार्टी बनाएं, मुझे इसमें पार्टी बनाएं ताकि मैं वो हकायक सामने ला सकूं कि नवाज शरीफ फरार कैसे हुए थे, किस किस ने उन्हें फरार होने में मदद दी थी। और आज मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप मरियम नवाज जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जलसों में तकरीरें करती हैं उन्होंने ही नवाज शरीफ को बाहर भेजने में भी मदद की थी। नवाज शरीफ बाहर जब गया था मैं वो वाहिद उस वक्त मिनिस्टर था जो उस वक्त भी कह रहा था इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, और मैंने इमरान खान साहब को और कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ इस तरह से बाहर चला गया वो एस्टैब्लिश इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक जो है वो बन जाएगा और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट फिर लोगों को इस्तेमाल करेगी जैसे अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल किया जा रहा है जाता है जब भी जरूरत होती है। इसलिए आप इसको ये ना करें और इसको बाहर ना जाने दें। लेकिन उस वक्त मेरी बात जाहिर है कैबिनेट में नहीं सुनी गई और उसकी वजूहत थी, फोने शोने जो है उस वक्त जाहिर है सबको आई थी, मुझे भी आई थी, मैंने जरा उसकी इतनी परवाह नहीं की।